बच्चों, ट्वेल्थ में अब आपका जो कल तक पढ़ाया था उससे आगे अब स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि बाह्य चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के दुध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो इसी ऊर्जा निकालने के लिए हम बाह्य चुंबक क्षेत्र कंसीडर करते हैं। बाह्य चुंबक क्षेत्र को हम क्षैतिज लाइनों के द्वारा दर्शाया गया है, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। इसमें ए बी एक ये दंड चुंबक है और इसका जो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल। तो इस थीटा एंगल, ये चुंबक क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है, तो इस पर जैसे रखता है घूमना शुरू करता है, घूमने में बलाघूर्ण लगता है। बलाघूर्ण लगता है तो घूमने में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम स्थित ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें यहाँ आ जाइए, ये हमारा एक समान चुंबक क्षेत्र हो गया, ये हमारा दंड चुंबक हो गया, थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये अपने अक्ष के साथ घूमेगा बलाघूर्ण के कारण। ओके, जब चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबक क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं तो बल युग्म के कारण द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टॉइजकल टू एम बी साइन थीटा लगता है। तो अनंत से डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इजकल टू टो इन टू डी थीटा, ये सूत्र होता है। तो डी डब्ल्यू इजकल टू वर्डन इजकल टू कार्य इजकल टू बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण का जो मान है एम बी साइन थीटा डी थीटा है। अब मुझे टोटल निकालना है तो हम क्या लिखूँगा, यदि चुंबक द्विध्रुव को थीटा इजकल टू जीरो से थीटा तक ले जाने में घुमाने में किया गया जो आवश्यक कार्य होता है वो हमें निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क करने के दोनों साइडों का समाकलन करेंगे, जीरो टू डब्लू डी डब्लू, जीरो टू थीटा एम बी साइन थीटा डी थीटा। इसका जो इंटीग्रल होता है वो डब्लू होता है, एम बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल होता है कॉस थीटा। लिमिट ऐसी ऐसी ऊपर लगा देंगे, अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट निगेटिव। तो ओमेगा डब्लू माइनस जीरो इजकल टू एम बी माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान कितना होता है वन, तो क्या लिखेंगे डब्ल्यू इजकल टू एम बी वन माइनस कॉस थीटा। प्रारंभिक स्थिति में जो कार्य होता है वो माइनस एम बी होता है चुंबक का, और उसकी जो स्थिति ऊर्जा होती है, जो हमारा पूर्व कार्य इस पर प्रारंभिक पोजिशन में किया गया कार्य और बल द्वारा किया गया कि दोनों को जोड़ दें तो हमारी उसकी चुंबक के दुध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकल जाती है। तो यूज कल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू नॉट का मान है माइनस एम बी और डब्ल्यू का मान है एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा। तो एम बी से एम बी कैंसिल हो जाएगा, तो यूज कल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। इसे द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक कहते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, इसको तैयार करना है। ओके बच्चों, अब इससे आगे चलते हैं। चुंबक के द्विध्रुव की अक्षय स्थिति के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम क्या करते हैं, एक चुंबक के द्विध्रुव को अक्षय स्थिति में P बिंदु लेते हैं। तो इसमें द्विध्रुव के अंदर एक तो N ध्रुव होता है, एक S ध्रुव होता है। N ध्रुव के कारण Fn फोर्स बाहर की ओर लगता है, S ध्रुव के कारण फोर्स Fs अंदर की ओर लगता है। और इसके मिडिल पॉइंट O से, मध्य बिंदु O से जो दूरी P बिंदु तक की वो R है। तो N सिरे से जो दूरी R माइनस L होगी और S सिरे से दूरी R प्लस L होगी। तो एक तो इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के कारण फोर्स दो टाइप के हो गए फोर्स, एक तो Fn और एक Fs। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट होता है, हम जानते हैं Q इजकल टू एम इजकल टू क्यू एम इंटू ट्वेल्व होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो जिसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। माना ns दंड चुंबक की लंबाई 12 है, ये
ये दंड चुंबक है, इसकी लंबाई 2L चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है, तो मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है वो R है। ओके, तो इसमें N ध्रुव के कारण जो फोर्स Fn होगा म्यू नॉट अपॉन 4π क्यू एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये तो हमने फोर्स बताया कूलाम्स लॉ से। ओके, अब इसी प्रकार से हम एस ध्रुवता के कारण हैं, एस ध्रुवता के कारण एफ एस होता है म्यू नॉट अपॉन 4π क्यू एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये फोर्स होता है एस ध्रुव के कारण। तो अब हम ये जानते हैं कि बिंदु P पर जो होता है चुंबक के द्विध्रुव का जो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इन दोनों फोर्सों के अंतर के बराबर होती है। Fn द डिफरेंस ऑफ नॉर्थ पोल फोर्स एंड साउथ पोल फोर्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल फोर्स का जो डिफरेंस होता है वो चुंबक के द्विध्रुव की तीव्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। तुमने Fn का मान रख दिया, Fs की वैल्यू रख दी, तो इसमें हमारा कॉमन क्या है म्यू नॉट अपॉन 4π और qm, ये हमारा कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लिया, तो हमारा नीचे बचा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस साइन लगा दिया। ओके, अब इसमें आगे हम चलते हैं, जो इसमें म्यू नॉट अपॉन 4π क्यू एम इंटू 2L इंटू आर, तो इसमें हमारा जो है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 4RL बचेगा, तो इसको हम तोड़ेंगे 2 क्यू एम 2L, ये हो जाएगा हमारा M, ये R, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एज इट इज जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ऊपर हमने बताई थी कि ये वैल्यू हमारी M होती है, तो हमने लिख दिया 2MR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये एज इट इज आ गई हमारी। तो जो हमारी R की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, R की वैल्यू L से बहुत बड़ी होती है, तो L स्क्वायर का मान तो शून्य हो जाएगा, इसलिए हम ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन R क्यूब, यहाँ इसकी वैल्यू को L स्क्वायर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो अब हमारा डेरिवेशन जो निकल के आया वो BH इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन R क्यूब, ये एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेट, निरक्ष स्थिति में द्विध्रुव के चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब निरक्ष स्थिति क्या होती है, हम एस एन दंड चुंबक लेते हैं, इसका जो मध्य बिंदु ओ होता है, इससे जो लंबवत दूरी होती है वो निरक्ष स्थिति होती है, इससे आर दूरी पर हमने पी बिंदु ले लिया, और ये जो लंबाई हमारी एल है और ये आर है, तो ये कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जो चुंबक क्षेत्र होता है वो नॉर्थ पोल की विपरीत दिशा में होता है, तो इसे हम बी की जो चुंबक क्षेत्र की दिशा वो ये होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसमें मानना पड़ेगा, मानेंगे माना चुंबक NS, ये NS चुंबक है, कि निरक्ष स्थिति रेखा पर बिंदु O से P बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट होगा। तो बिंदु P पर NS के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमने पिछला फॉर्मूला ड्राइव किया था ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो डायरेक्ट कोर्स में है, डायरेक्ट लिखना है आपको, यहाँ वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। यदि R का मान L से बहुत बड़ा है तो L स्क्वायर का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ हम L स्क्वायर को जीरो रख देंगे, तो जब ये जीरो हो जाएगा 3/2 में 2 से 2 कट जाएगा, तो R पर कितनी आ जाएगी 3, तो हम क्या लिखेंगे BV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन R क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबक क्षेत्र है निरक्ष स्थिति में, इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए आता है बोर्ड में, तो यहाँ तक आपको करना है।